कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वे सिंह। जैसे कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव के माहौल में अगर बात की जाए मैनिफेस्टो की, जी हाँ मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए, आरजेडी की तरफ से मैनिफेस्टो जो है वो परसों रिलीज़ किया गया था। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से, जो मैनिफेस्टो कल रिलीज़ हुई थी, और बीजेपी की मैनिफेस्टो रिलीज़ होते के साथ ही बहुत तरह का जो बयानबाजियाँ थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। इस बीच आज बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और उन्होंने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए चलकर पहले उसे सुनते हैं। लोगों ने विज्ञापन निकाला, 1,75,000 लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करेंगे, वही बहाली हुई, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों को, ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। साथ ही साथ देख रहे होंगे किस तरह सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, उनके आदरणीय पिताश्री जो चार्जशीटेड हैं, पंजीकृत अपराधी हैं, वो सावन के महीने पे मटन खा रहे हैं और राहुल गांधी को खिला भी रहे हैं, और साथ ही साथ उनके पुत्र जो गरीब गुदरी लाके लाल कहे जाते थे कि लालू प्रसाद तो गरीब के बेटा है, उनके बेटा या तो एरोप्लेन में बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, या मछली खाने का काम नवरात्रा के महीने में भी वही परिवार करता है। इसलिए ये लोग किसी के नहीं हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता में स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि बिहार में जब जातीय जनगणना, जातीय गणना का काम बिहार सरकार ने तय किया तो मैं मंत्री था, आदरणीय जीवेश मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, ये भी मंत्री थे, और दोनों मंत्री रहते हुए 20 जून 2022 को हम लोगों ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय सर्वे का काम हम कराएंगे। उसमें तो राजद थी ही नहीं, सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाही, धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह आप देखेंगे किसान कल्याण में लगभग 11 करोड़ किसान को पूरे देश में और लगभग 83 लाख किसान को बिहार में 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। इसका मतलब है यूपीए जहां मात्र 36,000 करोड़ रुपया देकर उसमें भी घोटाला कर लोगों को ये कहती थी कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो तय कर दिया 11 करोड़ किसान को सीधा साल के 3 बार 2,000 रुपया देकर किसानों को, चाहे वो कीटनाशक दवा हो, पानी की व्यवस्था करना हो, बीज की व्यवस्था करना हो, किसान को आत्मनिर्भर बनाने में पूरा सहयोग करने का काम किया जाए। 2013 से 2024 के बीच में कृषि बजट 5 गुना बढ़े, 1-2 गुना नहीं बढ़े, 5 गुना बढ़ाने का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। सुरक्षित भारत बनाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, और सुरक्षित भारत का स्पष्ट मानना है कि भारत के तरफ कोई आंख नहीं दिखा सकता। कल तक इस देश के वीर सैनिकों का सर काट कर ले जाने का काम करता था पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी, लेकिन हिंदुस्तान की सेना कोई कार्रवाई नहीं करती थी, टुकुर टुकुर ताकती थी कि श्रीमती गांधी कब बोलेंगी, प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी
तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का पूरी व्यवस्था किया गया। और जो आज से 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, सरदार पटेल ने देखा था 1947 में, और 567 रियासत को जोड़कर एक भारत बनाया गया, उसमें कश्मीर को अलग किया। और कश्मीर को अलग किया गया तो कश्मीर अलग क्यों? 370 हमारा कमिटमेंट था, हम 1950 में कहे, 1977 में हमने जनता पार्टी के साथ समझौता किया, लेकिन हम बदले नहीं। हमने 1989 में राम मंदिर का साथ देने का शुरुआत किया, तब भी हम बदले नहीं। और 1990 में मंडल भी हम ही लाए और कमंडल भी हम ही पूरे देश में फैलाने का काम किया। इसलिए पूरी तरह स्पष्ट है कि कमंडल हो या मंडल हो, बिना भाजपा के समर्थन से आरक्षण इस देश में नहीं लागू हो सकता। जब जब बिहार में आरक्षण लागू हुआ, चाहे वो 1977 हो जब कपूरी सरदे कपूरी ठाकुर जी को अभी भारत रत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, किसी सरकार ने सोचा? कल्प के बारे में आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूं। मोदी की गारंटी, मोदी जी ने जो गारंटी दिया है उसके संकल्प में आपसे चर्चा करने आया हूं। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवेश मिश्रा जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय दानिश इकबाल जी, पार्टी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी, बबलू जी, सभी मीडिया के साथीगण, मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। और आप लोगों ने देखा है, चाहे वो 2014 का घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, जिसको मैनिफेस्टो के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प के तौर पर मानती है, 2019 में जो 234 संकल्प की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें 222 हमने पूरे किए थे। बाद में CAA का संकल्प पूरा करके 223 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया है। और आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम लोगों ने 2024 का संकल्प की घोषणा की है, जिसमें ज्ञान, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को पूरी तरह शक्ति के रूप में देखना और पूरे राष्ट्र में नारी शक्ति को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, इस पर संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया है। गरीब कल्याण में लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज, कोरोना जैसे भीषण आपदा को देखने के बाद पूरे दुनिया आज तक उससे उबर नहीं पाई, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उबारा भी और आज भारत श्रेष्ठ की ओर, श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। और ये संकल्प 2047 के भारत जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसको, उसके लिए संकल्प लेने का काम किया है। इसलिए आज गरीबों की चिंता करना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पहली प्राथमिकता है। 80 करोड़ परिवार को, 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज देकर जो गरीब कल्याण के काम है इसकी शुरुआत की गई, और उसके साथ साथ पूरे देश में और बिहार जहां डबल इंजन की सरकार की लोग चर्चा करते थे कि डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा मिल रहा है, तो बिहार जैसे प्रदेश में उसका उदाहरण देखने को मिला। 2 मार्च को हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत बिहार के लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा खाद्यान्न भोजन के तौर पर जो 5 किलो अनाज है उसको देने का काम किया जा रहा है। उसी के साथ हम लोगों ने टैग किया कि जितने लोग
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं उन सभी लोगों को, क्योंकि इसमें 1,21,00,000 परिवार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उस परिवार को देने का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ 58,00,000 परिवार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार डबल इंजन की सरकार है इसके द्वारा देने का काम किया जा रहा है। दोनों मिलाकर लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को 5 किलो अनाज की भी गारंटी है और 5,00,000 तक के मुफ्त इलाज कराने की भी व्यवस्था है। तो ये पूरी व्यवस्था इस देश में करने का काम किया जा रहा है। उसी तरह नारी शक्ति, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि नारी शक्ति नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से पूरे देश में लोकसभा और विधान परिसभा के माध्यम से जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण पूरे देश में देने का निर्णय लिया, और आगे जो परिसीमन का गठन होगा, गठन होने के बाद पूरे देश में 1/3 महिला को सीधा रिजर्वेशन के माध्यम से प्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा। लगभग 10 करोड़ माताएं बहनों को पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था करने का काम किया गया। 3 तलाक, हम लोगों पे आरोप लगता है कि हम मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज के लिए कल्याण की बात नहीं करते हैं, यह कुप्रथा था। नंदन है, आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी उपस्थित हैं, साथ ही बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जीवेश मिश्रा जी उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी एवं मीडिया के सह प्रभारी श्रीमान अमित प्रकाश बबलू जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी से निवेदन करता हूँ कि आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जी हाँ, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी बातें जो अभी बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में क्लियर की गई है कि रोजगार से लेके अगर नारी शक्ति से लेकर और भी तमाम बातों पे ध्यान दी गई है, और कहीं ना कहीं अगर इस बार एनडीए की सरकार बनती है तो जिस तरह से भारत का विकास अभी तक हुआ है और भी तेज़ी से आगे होता हुआ नज़र आएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वी सिंह सहयोगी करण के साथ पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।